जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद के कोरोना मुक्त होने पर बोलते हुए कहा कि जनपद के सभी अधिकारियों के सहयोग से जनपद कोरोना मुक्त हो गया है तथा कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर लगातार निगरानी की जा रही है तथा टीकाकरण भी नागरिकों का अधिक से अधिक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण में नागरिकों का रुझान भी काफी दिख रहा है तथा नागरिक टीकाकरण कैंप पर जाकर अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अति शीघ्र सभी नागरिकों का टीकाकरण पूरा किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाकर ही जाएं तथा बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकलें तथा जो लोग टीकाकरण नहीं करवाए हैं ऐसे लोग टीकाकरण जरूर करवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, सभी अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से टीम वर्क से शासन के मंशानुरूप शासन के निर्देश में ये अच्छी उपलब्धि हुई है कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जो योजना बनाई गई थी उसको क्रियान्वयन करते हुए ये प्राप्त हुआ है। लेकिन लगातार निगरानी चल रही है, तीसरी लहर के संभावना के दृष्टिगत सारी सावधानियाँ बरती जा रही है। टीकाकरण में भी नियमित रूप से लगातार उसका अनुश्रवण करते हुए अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त हो रही हैं और लोगों में उसके प्रति टीकाकरण अभियान के प्रति रुझान भी बहुत अच्छी तरह दिख रहा है और अतिशीघ्र हम लोग 100% टीकाकरण कार्य भी पूर्ण कराएंगे और जो भी हमारे रणनीति है टेस्टिंग के संदर्भ में और अन्य चीज़ों के बारे में हम लोग चरणबद्ध रूप से उसको काम कर रहे हैं। मैं सभी सम्मानित नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पूरी सावधानियां और कोविड प्रोटोकॉल को 100% पालन करें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें और जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी आपको आपके साथ मिलकर आपको जो प्रोटोकॉल के बारे में समझा रहे हैं उसका 100% अनुपालन जरूर करें और जो भी अभी टीकाकरण से वांछित रह गए हैं जरूर टीकाकरण के लिए आगे बढ़ें।